सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी क्रिकेट जगत की सभी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रही दो मैचों की ओडीआई सीरीज आखिरकार अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि सीरीज के पहले मुकाबले को जीतने के बाद अब वेस्टइंडीज की नजर रहेगी दूसरे ओडीआई को जीतने पर। दूसरी तरफ भारतीय टीम के पास आखिरी मौका रहेगा वेस्टइंडीज की टीम को हराकर इस सीरीज में अपनी वापसी को करने का। सबसे पहले एक नजर डालते हैं भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में खेले गए इस सीरीज के पहले ओडीआई मुकाबले पर। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी रही थी। इन शुरुआत भारतीय टीम के हक में बिल्कुल भी नहीं रही क्योंकि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बेहद ही जल्द ही अपने विकेट गवा बैठा। इसके बाद ऋषभ पंत व श्रेयस अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी करी जिसके चलते टीम 287 तक पहुंच गई थी। वेस्टइंडीज की टीम के पास 288 रनों का लक्ष्य था जो कि एक सम्मानजनक लक्ष्य भी है, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा बेहतरीन रही कि उन्होंने इस मुकाबले को 8 विकेट के बड़े अंतर से जीता। ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए अब दो चुनौतियां बन गई हैं, भारतीय टीम की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी को भी बेहतर करना। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम में इन्हीं दो चीजों को बेहतर करने के लिए दो बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसे सबसे पहला बदलाव हो सकता है भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर में। सबसे पहले अगर टीम की सलामी जोड़ी की बात करी जाए तो वह हमेशा से ही रोहित शर्मा व शिखर धवन के कंधों पर निर्भर रही है, परंतु क्योंकि चोट के कारण शिखर धवन टीम का हिस्सा नहीं है तो ऐसे में रोहित शर्मा और केएल राहुल के बीच में वह तालमेल नहीं देखने को मिला पहले ओडीआई मुकाबले में। ऐसे में दूसरे ओडीआई मैच के लिए कप्तान विराट कोहली टीम में मयंक अग्रवाल को खेलने का मौका दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि मयंक अग्रवाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और हाल ही में खेली गई टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा के साथ मिलकर न सिर्फ मयंक अग्रवाल ने शतक की पारी खेली थी बल्कि दोहरे शतक भी जड़ दिए थे। मयंक अग्रवाल एक अनुभवी बल्लेबाज और वह भारतीय टीम का हिस्सा पहले भी बन चुके हैं। वह वर्ल्ड कप में भी टीम में शामिल हुए थे लेकिन उन्हें खेलने के मौके नहीं मिले। ऐसे में कप्तान विराट कोहली जरूर मयंक अग्रवाल को सलामी जोड़ी में आजमाना चाहेंगे। दोस्तों, दूसरा और एक और बड़ा बदलाव हो सकता है भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में। वैसे तो कप्तान विराट कोहली का मकसद है कि भारतीय टीम में ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाज शामिल किए जाए ताकि भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, लेकिन दोस्तों, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाजों का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज की टीम के बल्लेबाजों के खिलाफ बेहद ही बेहतरीन रहा है। ऐसे में अगर टीम में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी एक साथ परफॉर्म करेगी तो शायद बेहतर रिजल्ट भारतीय टीम को देखने को मिले, जिसके चलते कप्तान विराट कोहली ओडीआई टीम में युजवेंद्र चहल की वापसी पर विचार विमर्श जरूर करेंगे और शायद रविंद्र जडेजा की जगह उन्हें खेलने का मौका दे सकते हैं दूसरे ओडीआई मैच में, ताकि वेस्टइंडीज की टीम के विकेट लेने में भारतीय टीम के गेंदबाजों को और भी ज्यादा आसानी महसूस हो। और दोस्तों, आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज की टीम के बल्लेबाजों के खिलाफ बेहद ही बेहतरीन भी है। तो चलिए आपको फटाफट से बताते हैं कि इन दो संभावित बदलावों के बाद क्या हो सकती है भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11। तो टीम की तरफ से आप सभी को ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं रोहित शर्मा व मयंक अग्रवाल। इसके बाद टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर व ऋषभ पंत। इसी टीम में ऑलराउंडर की भूमिका को निभाते हुए दिखेंगे शिवम दुबे, तो वहीं स्पिन गेंदबाजी की कमान रहेगी युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के हाथों में। टीम में एक और पार्ट टाइम स्पिनर गेंदबाज व बल्लेबाज के तौर पर होंगे केदार जाधव और तेज गेंदबाजी की कमान तो रहेगी दीपक चहर व मोहम्मद शमी के अनुभवी हाथों में। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या इन दो बदलावों के बावजूद भारतीय टीम दूसरा ओडीआई मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।